हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम आउटलाइन कैसे बनाएं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लॉर्ड विष्णु जी की पेंसिल शेडिंग कैसे करें ताकि वो रियलिस्टिक लगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले तो हमको जो रिफरेंस इमेज है वो देखना बहुत जरूरी है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप देख सकते हैं रिफरेंस इमेज में जो लाइट है वो लेफ्ट की साइड से आ रही है, ये लेफ्ट की साइड से आ रही है, और डार्कनेस हमारी राइट साइड है उसके अपोजिट। और ज्यादा कुछ इसमें हाइलाइट्स है नहीं, बस यहाँ से हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे डार्कनेस है, यहाँ पे मिड टोन है, और यहाँ पे जो हाईलाइट है हमारी, और जो हमारे लॉर्ड विष्णु जी की जो ज्वेलरी है वहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे यहाँ से हम डार्कनेस आ रही है, यहाँ से हमको पता चलता है। और ये जो नीचे की साइड है वो तो ऑब्वियसली डार्क होगी, और लाइट जैसे कि हमको पता है यहाँ से आ रही है, तो ये साइड ज्यादा हाईलाइटेड है। और पहले हम फेस को शेड कर लेते हैं, फिर उसके आगे मैं हेयर्स आपको बताऊंगा कि कैसे ड्रॉ करने हैं। सो गाइस, मेरे टूल्स मैं आपको बता देता हूँ। मैं यूज़ करूँगा आउटलाइन की पेंसिल, और ब्लेंडिंग के लिए स्पंज और ब्रशेस, और पेंसिल को शार्प और इरेज करने के लिए रेगुलर शार्पनर और इरेजर, हाइलाइट्स के लिए सकुरा का जेली रोल पेन, और यही है मेरे टूल्स। लेट्स स्टार्ट। लॉर्ड विष्णु जी का जो हेड है वो कंप्लीट हो चुका है। मिरेकल। अब हम ड्रॉ करेंगे उनके हेयर्स। लेट्स स्टार्ट।
सो गाइज, लॉर्ड विष्णु जी की जो हैंड की ज्वेलरी है वो मैं शेड करने के लिए यूज करूंगा HB, 2B और 4B। सो और हाइलाइट्स के लिए मैं यूज करूंगा सकुरा का जेली रोल पेन। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि शेडिंग कैसे करें। नहीं। और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही ट्यूटोरियल्स और टाइमलैप्स वीडियोस के लिए। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।